आओ करें और सीखें अभ्यास 25। गतिविधि का नाम बताओ, मैं कैसे बड़ा छोटा हूँ। उप अवधारणा स्थानीय मान की समझ। समझिए तीन संख्याओं में संख्या चार का स्थानीय मान देखें। चलिए ये पहली संख्या, क्या है 634, दूसरी संख्या क्या है 340 और फिर 421। इनमें हमें चार का स्थानीय मान देखना है। तो पहली संख्या में चार का स्थानीय मान क्या होगा, हम यहाँ लिख देते हैं तीर बना के। चार का स्थानीय मान चार होगा क्योंकि चार के आगे कोई भी संख्या नहीं है। अब इसके 340 में चार का स्थानीय मान क्या होगा, ये यहाँ पर होगा 40। 40 होगा क्योंकि चार के आगे एक संख्या है तो एक शून्य। और यहाँ पर चार का स्थानीय मान क्या होगा, 400, क्योंकि चार के आगे दो संख्या है। अब आगे देखते हैं, देखिए ये सब बताए गए हैं। अब आगे देखते हैं नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। संख्या 789 में 9 इकाई का अंक है, इसलिए 9 का स्थानीय मान खल स्थान है। तो क्या होगा, 9 के आगे एक भी संख्या नहीं है तो 9 का स्थानीय मान 9 होगा। 8 दहाई का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान 80 होगा क्योंकि 8 के आगे एक संख्या है तो 80 हम लिख देंगे। 7 सैकड़े का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 700, क्योंकि 7 के आगे दो संख्या है तो हम यहाँ पर 700 लिख देंगे। इसी प्रकार 808 में दाई और का 8 इकाई का अंक है, इसीलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 इकाई का अंक है तो 8 के आगे एक भी संख्या नहीं है तो 8 का 8। और शून्य दहाई का अंक है, इसलिए शून्य का स्थानीय मान खल स्थान है तो क्या होगा, शून्य का स्थानीय मान शून्य के आगे एक और संख्या है तो शून्य के स्थानीय मान शून्य शून्य। बाईं ओर का 8 सैकड़े का अंक है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 800 होगा क्योंकि 8 के आगे दो संख्या है तो 800 लिख देंगे हम। इसी प्रकार संख्या 607 में 7 इकाई का अंक है, इसलिए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 ही होगा क्योंकि 7 के आगे एक भी संख्या नहीं है। शून्य दहाई का अंक है, इसलिए शून्य का स्थानीय मान है, शून्य का स्थानीय मान 00 होगा क्योंकि शून्य के आगे एक संख्या है तो 00। 6 सैकड़े का अंक है, इसलिए 6 का स्थानीय मान 600 होगा क्योंकि 6 के आगे दो संख्या है